नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी आपका एग्री चैंपियन आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल कोई भी अवकलन में अगर दो फंक्शन दिए हुए हों और वो दोनों किस में हो, मल्टीप्लाई में दिए हुए हों, तो अपन कौन सा रूल लगाते हैं, यू डॉट वी वाला और प्रोडक्ट रूल, उसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं और यू डॉट वी वाला फॉर्मूला भी बोलते हैं। अब अपन आज बात करेंगे कि पहले तो अपन ने किसका देख लिया, कोई मल्टीप्लाई में फंक्शन दिया हुआ हो उसका देख लिया। अब आज अपन देखेंगे कोई दो फंक्शन दिए हुए हो, जैसे u बटेवा v, कोई फंक्शन u है कोई v है, दो फंक्शन दिए हुए हो अवकलन में, एक ऊपर दिया हुआ हो एक नीचे, दोनों किस में हो, बटेवा में या भाग में दिया हुआ हो, उसका अपने को अवकलन करने के लिए पूछे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा रूल लगाएंगे, कोसेंट रूल। कौन सा रूल लगाएंगे, कोसेंट रूल। कौन सा रूल लगाएंगे, कोसेंट रूल। U डॉट V वाले फॉर्मूले को अपन क्या बोलते थे, प्रोडक्ट रूल, और जो U बटेवा V का फॉर्मूला होगा उसका क्या करते थे, उसको क्या बोलेंगे, कोसेंट रूल बोलेंगे। अब प्रोडक्ट रूल तो अपन ने देखा था कि U को बाहर रख लेते हैं, V का अवकलन कर देते हैं, प्लस जिसका अवकलन किया उसको बाहर रख लेंगे और जिसका नहीं किया उसका अवकलन कर देंगे। अब U बटेवा V का कोई फॉर्मूला है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो बटेवा में क्या होगा, वी स्क्वायर, क्या होगा वी स्क्वायर, क्या होगा नीचे वाला वाले का क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब जिसका स्क्वायर किया ना उसको बाहर रख दो, यहां क्या रखते थे अपन, किसको, U डॉट V वाले प्रोडक्ट रूल में अपन U को बाहर रखते थे, किसको, U को बाहर रखते थे, यहां पर किसको रखेंगे, V स्क्वायर कर दिया ना, तो V को कहां रखेंगे, बाहर रखेंगे। d अपॉन dx किसका करेंगे, U का, किसका करोगे, U का, बीच में काहे का चिन्ह होगा, माइनस का, काहे का चिन्ह होगा, माइनस का। अब किसका करेंगे, U को बाहर रख दो, d अपॉन dx किसका करोगे, V का करोगे, किसका करोगे, V का करोगे। ये फॉर्मूला है, कोई फंक्शन दिया हुआ हो बटेवा में, जैसे मैं लिख दूं sin x बटेवा कोसेक्स, ये क्या दिया हुआ है, कोई बटेवा में फंक्शन दिया हुआ है, इसका अपने को क्या पूछ रहा है, dy अपॉन dx पूछ रहा है या अवकलन पूछ रहा है अक्ष के सापेक्ष। अब ऐसा कोई दिया हुआ हो तो अपने दिमाग में आ जाने से ये u बटेवा v, क्योंकि बटेवा में है तो u बटेवा v आ गया। u बटेवा v में कौन सा रूल लगाते हैं, कोसेंट रूल लगाते हैं। कोसेंट रूल क्या होता है कि v का क्या कर देंगे, स्क्वायर, जिसका स्क्वायर किया उसको बाहर रख देंगे, u को अंदर, u का मतलब अवकलन कर देंगे। बीच में चिन्ह काहे का आएगा, प्रोडक्ट रूल में चिन्ह आएगा था प्लस का था, यहाँ पर काहेगा आएगा, माइनस का आएगा। अब जिसका अवकलन, इसमें अवकलन काहेगा कर दिया, यू का कर दिया, अब यहाँ क्या जाएगा, यू को बाहर रख लिया और वी का क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, किसका अवकलन कर दिया, वी का अवकलन कर दिया। यहाँ तक फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। अब अपन क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लो और फॉर्मूला याद कर लेना जरूर। देखो इसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं, कोसेंट रूल, क्या पढ़ रहे हैं, कोसेंट रूल। कौन सा रूल पढ़ रहे हैं, कोसेंट रूल। कोई क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर साइन x बटेवा कोसेक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा रूल लगेगा, दोनों फंक्शन बटेवा में हैं तो कौन सा लगेगा, कोसेंट रूल लगेगा। कौन सा, कोसेंट रूल। यू किसको मानेंगे, ऊपर वाले को, वी किसको मानेंगे, नीचे वाले को, यू ऊपर वाला हो गया, वी नीचे वाला हो गया। अब देखो यू बटेवा वी लिख लिया, अब क्या लिखेंगे, वही थ्योरी पिछले क्लास में अपन ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, उसमें भी थ्योरी यही आएगी, इसमें भी यही आएगी, दिए गए फलन का अक्ष के सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर,
दिए गए फलन का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब क्या लिखेंगे फॉर्मूला, कौन सा, कोसेंट रूल। कोसेंट रूल का फॉर्मूला क्या था, v का क्या करेंगे स्क्वायर, v को कहाँ रखेंगे बाहर, d अपॉन dx किसका करेंगे u का, बीच में चिन्ह काहे का रहेगा माइनस का, u को बाहर रख लो, d अपॉन dx, v का क्या हो जाएगा स्क्वायर, सॉरी v का क्या हो जाएगा अवकलन हो जाएगा। सबसे पहले साइन x बटे हुआ cos x क्वेश्चन दिया हुआ था, u बटे हुआ v मान लिया, दिए गए फलन का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर कोसेंट रूल का क्या लिख लिया फॉर्मूला लिख लिया, क्या लिख लिया फॉर्मूला लिख लिया। अब क्या कर दिया फॉर्मूले में, v का स्क्वायर कर दिया, v को बाहर रख लिया, u का क्या कर दिया अवकलन, जिसका अवकलन कर दे, और बीच में चिन्ह, चिन्ह का विशेष तौर से ध्यान रखना, प्लस का मत लगा देना, किसका लगाना है माइनस का लगाना है। अब जैसे अपने पास क्वेश्चन में u बटे हुआ v दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले में u की वैल्यू और v की वैल्यू रख दो, इसके बाद में पढ़े को क्या करना है अवकलन करना है, सही। d अपॉन dx का मतलब है कि जो आगे फंक्शन दिया हुआ है ना उसका अवकलन करना है, मतलब d अपॉन dx किसके साथ हो, ओनली u के साथ है। पिछली क्लास में भी मैंने समझाया था कि v का अवकलन नहीं करना है, v को इससे कैसे रखना है, v का ओनली स्क्वायर करना है ना कि अवकलन। अगर यहाँ पर d अपॉन dx दिया हुआ होता ना तभी अवकलन करते। अवकलन कब करना है, जब अपने को d अपॉन dx दिया हुआ हो या अपने को बोला जाए कि दिए गए फलन का अक्ष के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अब देखिए v को बाहर रख लो, v क्या है cos अक्ष, v का क्या कर दिया स्क्वायर, cos अक्ष का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। अब इसके बाद में देखो cos अक्ष का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। अब देखो cos अक्ष को बाहर रख लिया, v को बाहर रख लिया, d अपॉन dx, यू यू क्या है यहाँ पर साइन एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस, बीच में चिन्ह काहे का होगा माइनस का। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा माइनस यू, यू क्या है साइन एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, किसका करना है वी का करना है, वी क्या है कॉस एक्स। यहाँ तक आया समझ में, सबसे पहले पढ़ने फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूले के बाद में जो वैल्यू थी वो इनपुट कर दी। अब देखो देखो cos x को ऐसे कैसे लिख लो, लिख लिया। अब क्या करना है sin x का अवकलन क्या होता है, sin x का अवकलन क्या होता है फॉर्मूले जरूर याद करके रखना, sin x का अवकलन होता है cos x, क्या होता है cos x, साइन अक्ष का अवकलन क्या होता है कोश अक्ष। अब देखो माइनस साइन अक्ष का अवकलन क्या होता है कोश अक्ष, ओ सॉरी सॉरी, यहां पर देखो साइन अक्ष का अवकलन नहीं करना अपने को, अपने को क्या करना है साइन अक्ष को ऐसे कैसे लिखना है डॉट, कोश अक्ष का अवकलन क्या होता है माइनस साइन अक्ष, कोश अक्ष का अवकलन क्या होता है माइनस साइन अक्ष, बटे हुआ में क्या है कोश अक्ष स्क्वायर, इसको आप उतारते रहना। अब देखो यहां तक कर लिया अपन ने, अब कोश अक्ष है कोश अक्ष है तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा कोश स्क्वायर अक्ष, सही। यहां पर माइनस है यहां पर माइनस है, ये माइनस आगे आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है प्लस आता है, माइनस इनटू प्लस करते हैं तो क्या आता है माइनस, अगर माइनस प्लस इनटू माइनस करते हैं तो भी क्या आता है माइनस आता है, आ गया समझ में। अब तो यहाँ पर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया प्लस साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ आपने पढ़ा होगा पहले कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है एक, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है एक होता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स,
सही। आगे अगर आपसे सॉल्यूशन होता है कि एक बटे वा कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं, कोट एक्स लिखते हैं, जो भी अगर ये आपको आता है आगे, तो ये आप क्या करें, सॉल्यूशन करें इसका, अन्यथा यहाँ तक रहने दे, यहाँ तक भी रहने दे सकते हो। पर अगर आपको पता है, जैसे अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर एक होता है, तो ये अपन ने एक लिख दिया, एक बटे वा कोस स्क्वायर एक्स को कोट एक्स भी लिख सकते हो। अब ये अपन ने क्या कर दिया, u बटे वा v से क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। अब अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। साइन अक्ष बटे वा अक्ष स्क्वायर क्या है, साइन अक्ष बटे वा अक्ष स्क्वायर, सॉरी बटे वा में यू बटे वा वी दे रखा है, वाई बराबर है, दिए गए फलन का क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, वो थ्योरी वगैरह आप लिख लेना। अब मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करवाता हूँ, वी का क्या करना था, स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। वी को कहाँ रखना था, बाहर रखना था, रख लिया। अब इसके बाद में डी अपॉन डी एक्स किसका अवकलन करना है, साइन अक्ष का, U का अवकलन करना है, माइनस जिसका अवकलन कर दिया, जैसे साइन एक्स का कर दिया तो साइन एक्स को बाहर रख लो, डी अपॉन डी एक्स किसका कर दो, एक्स स्क्वायर का कर दो, कर दिए। अब इसके बाद में देखो, एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे रख लो, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स ऐसे कैसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एक्स, कौन से फॉर्मूले से हुआ, एक्स की पावर एन से, इसको डिनोट करोगे। मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ पर आप सॉल्यूशन करते हो और जो फॉर्मूला लगाते हो, उस फॉर्मूले को आपको साथ के साथ क्या करना है, डिनोट करना है। अब देखो बटेवा में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, एक्स की पावर फोर, क्या हो जाएगा, एक्स की पावर फोर। अब देख लो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर कोश एक्स माइनस टू अक्ष साइन अक्ष बटेवा अक्ष की पावर फोर, ये क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, यू बटेवा वी से ये क्वेश्चन कर लिया। अब अपने एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखो समझ में तो आ रहा है ना सभी को, देखो अपन अब क्वेश्चन लेते हैं, e की पावर टू अक्ष साइन अक्ष। अब ऐसे नहीं कि हमेशा अपन साइन अक्ष लेते हैं, तो क्वेश्चन में साइन अक्ष है तो साइन अक्ष ले लिया, यहाँ पर वो कुछ भी दे सकता है, कुछ भी फंक्शन देता है दे सकता है, पर देगा किसमें, u बटे वा v में। ये y बराबर कोई फंक्शन है, ऊपर वाले को क्या मानोगे, u मानोगे और नीचे वाले को v मानोगे। अब देखो फॉर्मूले में रख लो, v का क्या करना है, स्क्वायर, मतलब साइन अक्ष इसका क्या करना है, स्क्वायर, साइन अक्ष को क्या लिखोगे, बाहर लिखोगे, d अपॉन डी एक्स किसका करोगे, u का, u क्या है, e की पावर टू अक्ष, बीच में चिन्ह काहे का होगा, माइनस का होगा। इसके बाद में है माइनस, अब e की पावर टू अक्स का कर लिया तो e की पावर टू अक्स आ जाएगा, डॉट। अब इसके बाद में क्या करना है, d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स किसका करना है, साइन एक्स का। देखो साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या, साइन एक्स का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन एक्स है, साइन एक्स को ऐसे कैसे लिख लो, e की पावर टू एक्स का अवकलन क्या होगा, e की पावर टू एक्स, और फिर बाद में आपको क्या करना है, d अपॉन डी एक्स और टू एक्स। यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, चेन रूल, क्यों, क्योंकि एक बार तो अपन ने e की पावर एक्स का कर लिया, इसके बाद में टू एक्स का भी तो करना है, तो टू एक्स का बाद में करेंगे। इसके बाद में माइनस e की पावर टू एक्स ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा,
साइन अक्ष का अवकलन क्या होता है? कोश अक्ष। क्या होता है? कोश अक्ष होता है। अब देख लो यहाँ पर इसका टू अक्ष का क्या हो जाएगा? टू। टू अक्ष का क्या होगा? टू। तो टू में इसको मल्टीप्लाई में लिख के यहाँ लिख लेता हूँ, टू साइन अक्ष, या इसको आगे ले आओ, आप किसी को भी आगे पीछे ले जा सकते हो अगर मल्टीप्लाई में, तो ये टू आ जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? इक्की पावर टू अक्स का इक्की पावर टू अक्स साइन अक्स, साइन अक्स आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है? माइनस। यहाँ पर क्या है? इक्की पावर टू अक्स। यहाँ पर क्या है? कोष अक्ष। यहाँ पर क्या है? अक्स की पावर फोर। आ गया समझ में? अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर करते हैं, e की पावर टू अक्स को कॉमन ले लो, क्या बचेगा? टू साइन अक्स माइनस कोश अक्ष। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले अपने पास क्या दिया हुआ था? u अपॉन v में कोई फंक्शन दिया हुआ था, इसमें अपन ने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद में क्या किया? सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन करने के बाद में अपने को एंड में कॉमन लेने के बाद में कौन सा आंसर प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ, e की पावर टू अक्स को कॉमन ले लिया। इसके बाद में टू साइन अक्स माइनस कोश अक्ष बटे हुआ अक्स की पावर फोर। यू बटे हुआ वी मीन्स कोसाइन टूल से आपको जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने आए कि नहीं आए? आई होप आ गए होंगे। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अपन अभी तो यही एग्जांपल लेंगे, इसके बाद में है ना जैसे ही अपना कोर्स पूरा हो जाएगा, सिलेबस पूरा हो जाएगा, इसके बाद में अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, इनको आप घर से प्रैक्टिस करना। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा। देखो और आप कोई भी क्वेश्चन ले लेना अवकलन का, किसी भी बुक में दिया हुआ हो, किसी में इस टाइप के क्वेश्चन ले लेना, यू बटे वा वी के फॉर्मेट में होने चाहिए, और इनका क्या करना है आपको? सॉल्यूशन करना है जैसे मैंने स्टेप बताई। फिर से स्टेप भी लिख लोगे ना तो आधे नंबर तो आपके पक्के हैं, और जो मैंने थ्योरी बताई उसके अकॉर्डिंग जो स्टेप बताई है ना, जैसे लैंग्वेज के साथ अगर कोई क्वेश्चन करोगे, फॉर्मूला जहाँ पर फॉर्मूला यूज किया हो वहाँ पर फॉर्मूले को लिखोगे, और जो मैंने लैंग्वेज बताई है उसके अकॉर्डिंग करोगे तो आपको आराम से नंबर मिलेंगे। अगर कहीं गलती भी हो जाएगी ना कैलकुलेशन करने में तो आराम से नंबर मिल जाएंगे। अब देखो अपन ने क्या कर दिया? कोसाइन रूल करवा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, अवकलन का ही लेंगे, पर दोनों तरफ लोग लेकर जो भी अपने क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग टॉपिक लेंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा? अगर समझ में आया हो तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और क्लास को शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।